मध्य प्रदेश में जल्द आने वाले गैंगस्टर एक्ट के बारे में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा का कहना है कि अब जल्द लागू होगा गैंगस्टर एक्ट, जिससे संगठित अपराधों पर लगाम लगेगी। इसके साथ ही इस एक्ट में संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान होगा। इनमें गैंगस्टर एक्ट में जो इनके सहयोगी है, जो इनको सहयोग करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, गाहे गवाहे, उनको भी सजा का प्रावधान करने का विचार चल रहा है। ये प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी अपना मूर्त रूप लेगा। चुनाव से पहले बीजेपी दलितों को साधने में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। बैठक पुराने भोपाल के संत रविदास मंदिर में आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी में कई साल से पदों पर जमे पदाधिकारियों, सांसद, विधायक, पार्षदों को दो टूक बात कही गई है। राव ने कहा कि तीन बार, चार बार, पांच बार सांसद, विधायक बनने के बाद भी जो कहे कि मौका नहीं मिला, उससे बड़ा नालायक कोई नहीं। देखा जाए तो इस वक्त भाजपा के अंदरूनी राजनीति में घमासान मचा हुआ है। भाजपा के कई छोटे बड़े नेता एमपी के बड़े नेताओं से नाराज चल रहे हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का स्पष्ट संदेश उन वरिष्ठ नेताओं की तरफ था जो मंत्रिमंडल और संगठन में जगह नहीं मिलने पर नाराज हैं और अक्सर मौकों पर सरकार को घेरने से नहीं चूकते। भोपाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के दूसरे दिन गांधी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। कॉलेज प्रबंधन ने जीएमसी के 22 पदाधिकारियों को हॉस्टल खाली करने का नोटिस भेज दिया है। साथ ही जूनियर डॉक्टरों को रात तक हड़ताल वापस नहीं लेने पर एस्मा के तहत एफआईआर की चेतावनी दी थी। भोपाल जीएमसी के डीन डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला के मुताबिक जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से हमीदिया अस्पताल में कोई सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। सीनियर रेसिडेंट और वरिष्ठ चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 100 से ज्यादा डॉक्टरों को आसपास के जिलों मेडिकल कॉलेज से बुलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा अब तक का सबसे बड़ा चंदा अभियान चलाने जा रही है। इसमें छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक से समर्पण निधि, आजीवन सहयोग निधि ली जाएगी, ताकि भविष्य में पार्टी चलाने के लिए बड़ी रकम की एफडी की जा सके। लक्ष्य 100 करोड़ रुपए का रखा गया है, जिसे जुटाने की मुहिम 28 दिसंबर से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगी। अब तक आप वित्त वर्ष 2020 और 21 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर पाएंगे। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ा दी है। इसके साथ ही देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी 31 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। ये जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस CBDT ने दी है। इससे पहले सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से 30 सितंबर की गई थी। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से पिछले साल रिटर्न फाइल करने की तारीख तीन बार बढ़ा दी गई। सरकार ने इस साल एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 पाने की डेडलाइन दो बार बढ़ाई थी। पहले इसकी अंतिम तारीख 15 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 की गई थी, फिर उसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया गया था। उज्जैन के फाजिलपुरा स्थित होटल अभिका में कमरा लेकर क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा चला रहे दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली महाकाल पनवासा थाने की टीम ने एक साथ कार्रवाई कर ये धरपकड़ की। इस मामले में पुलिस ने मौके से रविंद्र सलूजा और विवेक जैन नामक सटोरियों को गिरफ्तार किया।